इस न्यूज के प्रायोजक है डॉक्टर अनुष्का विधि महाविद्यालय कानून के क्षेत्र में अपना मुकाम बनाए। प्रताप नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, एयरपोर्ट रोड, उदयपुर। उदयपुर शहर के देवाली क्षेत्र में बार बार बिजली की समस्याओं से परेशान क्षेत्रवासियों ने शुक्रवार को मधुवन स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और अधिकारियों को ज्ञापन दिया। क्षेत्रवासी प्रकाश कुमावत ने बताया कि देवाली क्षेत्र में काफी दिनों से बिजली की समस्याओं से क्षेत्रवासियों को जूझना पड़ रहा था। इसको लेकर कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को सूचित भी किया गया, लेकिन हमेशा आश्वासन ही दिया गया और परेशानी जस की तस बनी हुई। इसी को लेकर आज सभी क्षेत्रवासी एकत्र होकर विद्युत विभाग कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को ज्ञापन दिया। क्षेत्रवासियों में प्रधुमन सिंह ने बताया कि बिजली विभाग की समस्याओं को लेकर जब भी विद्युत विभाग के अधिकारियों को सूचना दी तो वह हमेशा फॉल्ट आने का आश्वासन देकर अपने काम से पल्ला झाड़ लेते हैं। क्षेत्रवासियों ने कहा कि अगर 10 दिन के अंदर बिजली की समस्या को दूर नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी सर बताएं। मेरा नाम प्रद्युमन सिंह राठौड़ है, देवाली निवासी हूँ। पिछले 1.5 महीने से बिजली की समस्या क्षेत्र में भारी हो रही है और बहुत बार कंप्लेन करने के बाद भी यहाँ के अधिकारी द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जाता है। किसी भी टाइम लाइट बंद कर देते हैं बिना किसी कारण के। बहुत बार हमने कंप्लेन की, फ़ोन भी करते हैं तो कई बार फ़ोन लगता नहीं, और फ़ोन उठाते हैं तो भी कुछ जवाब मिलता नहीं है कि क्या समस्या है क्या, ऐसे बोलते थोड़ी देर में आ जाएगी और कुछ फॉल्ट हो गया, जबकि कोई फॉल्ट होता है नहीं होता है तो भी ये बंद कर देते बिना किसी कारण के। 1 घंटा लाइट आती है तो 4 घंटे लाइटें बंद रहती है, इस तरह की समस्या। मैंने 2-3 बार फ़ोन किया तो जवाब ये मिलता है कि हम भी क्या करें, हम भी परेशान हैं, हम कहाँ से चालू करें लाइटें, और फॉल्ट आ जाता है, लाइटें तो ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। इस प्रकार के जवाब ये प्रशासन यहाँ से हमको देते हैं। तो आज हम सारे क्षेत्रवासी और व्यापार मंडल के थ्रू यहाँ पे आए हैं और हमने अधिकारी जी को भी बता दिया है सारी समस्या है। उन्होंने बोल दिया, हमने 10 दिन का समय दिया है, अगर 10 दिन में हमारी जो मांगे हैं वो पूरी होती है, जो कार्रवाई हम चाहते हैं अगर वो होती है तो ठीक, नहीं फिर उग्र आंदोलन करेंगे। और कुछ भी अगर अननेसेसरी कुछ भी चीज़ होती है उसका जिम्मेदार यहाँ के अधिकारी रहेंगे। तो हम यहाँ से आज सिर्फ ज्ञापन देने आए हैं, उसके बाद वो जाने। क्या समस्या थी आपकी आज आपके यहाँ पे? मैं देवाली प्रकाश कुमार, जनता व्यापार मंडल देवाली का अध्यक्ष होने के नाते और वार्ड नंबर 1, 3 और 69 का निवासी होने के पश्चात में फतेहपुरा RSB जो अभी अजमेर विद्युत निगम है उसके तत्वाधान में ये जो 1.5 महीने से लगातार लाइटें बंद हो रही और 2-2 घंटे 4-4 घंटे तक लाइटें हर आधे घंटे के अंदर लाइट बंद होने का कारण फॉल्ट बताते हैं, हम अधिकारियों को बताते हैं, अधिकारी फ़ोन उठाने से मना कर देते हैं या फ़ोन नहीं उठाते हैं। इसके पश्चात में फतेहपुरा जाके या कंप्लेंट कराओ, बस कंप्लेंट कराओ, कंप्लेंट कराने के बाद में 4-4 घंटे 6-6 घंटे तक आने का पूरा। हम आज देवाली व्यापारी मंडल और ग्रामवासी क्षेत्रवासी और हमारे सारे क्षेत्र के जो लोग हैं आज हम चटक सरकार मधुवन भवन मधुवन में आए हैं और मधुवन में आके हम ज्ञापन दिया है और अधिकारी को हमने ज्ञापन दिया। अधिकारी ने हमें 2 बातों से संतुष्ट किया कि हम, एक तो मैं कल आके सारी चीज़ों का देखूंगा, व्यक्तिगत आके देखूंगा, और दूसरा जहाँ भी DP लगाने की ज़रूरत है वहाँ मुझे जगह और बताना, स्थान बताना, हम उनको उनके आश्वासन के माध्यम से बाद में हम नीचे आए हैं। और हमारी मांग यही है हमारे क्षेत्र में लाइट की व्यवस्थाएँ पूर्ण रूप से अच्छी हो, न कि अशोक गहलोत ने 100 यूनिट बिजली के किए वो फ्री के, ये अभी हमारा फ्री निकल रहा है। हमें बच्चे परेशान हो रहे हैं और कई लोग जो बच्चे हैं सुबह और रात को मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा, पानी की टाइम ट्यूबवेल से पानी नहीं जा रहा है, तो लाइट नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा हम और सारी। और यहाँ इस क्षेत्र में सबसे बड़ी बात ये है, कभी तो लाइट आएगी इतनी तेज आएगी जैसे सारे प्रकरण उठ जाएंगे, फ्रिज उड़ गए, ये लाइटें बन गई, तो कई समस्या हो रही है। हमने उनको एक ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के पश्चात में 7 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होगी हम फिर वापस उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। इसीलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।